हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल में। एमएस वर्ड के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंप्लीट होम टैब और इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में से हमने सीखा था फ़ोटो इंसर्ट कैसे करते हैं और शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इंसर्ट टैब में से टेबल, जैसे कि हमने टेबल पहले भी सीखा हुआ है इंसर्ट टैब में, लेकिन आज के वीडियो में टेबल इंसर्ट करने के बाद और भी दो टैब ओपन होते हैं, वो है डिज़ाइन और लेआउट। ये दो टैब जब भी हम टेबल ओपन करते हैं और उस पर कुछ काम करते हैं तभी ओपन होते हैं। हमको इस दोनों टैब के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों टैब बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। हमारा जो टेबल का मेन काम है वो इसी दोनों डिज़ाइन और लेआउट के टैब में से ही होता है। इस वीडियो में हम इस दोनों टैब को डिटेल में जानने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप बने रहना वीडियो पे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने वर्ड फाइल लिया हुआ है। अभी आज हमें देखना है टेबल कैसे इंसर्ट करना है। तो टेबल के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और टेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल साइज़ लेने के लिए दिया हुआ है। ये जो है वो कॉलम्स है और यहाँ पर है वो विथ है। हमें कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए वो हम सिलेक्ट कर ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अपना टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। मान लो हमें इस टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद शिफ्ट और डिलीट की प्रेस करना है तो अपना टेबल जो था वो डिलीट हो चुका है। अभी उसको अगर वापस लेना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, अंडू किया हुआ है मैंने तो उस टेबल को मैंने वापस लिया है। इसको एक बार मैं डिलीट कर दूँगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें इंसर्ट में आऊँगा टेबल और यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने टेबल बाहर सिलेक्ट करके लिया था वैसे यहाँ पे आपको टेबल साइज़ दिया हुआ है। हमें क्या साइज़ का टेबल चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, 5 कॉलम्स है, नंबर ऑफ़ रोज 2 हमने टिक किया हुआ है। फिर यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर है, उसमें भी 3 अलग अलग ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स कॉलम विथ, उसमें ऑटो दिया हुआ है, उसको हमने सही रखा है वैसे के वैसे और ओके कर दिया। तो देखिए अपना जो टेबल है वो रेडी हो चुका है, 5 कॉलम्स और 2 रोज का अपना टेबल जो है वो बन चुका है। इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन उसी में है, इंसर्ट टेबल में आके टेबल साइज़ क्या चाहिए आप खुद डिसाइड कर लेना। मैं यहाँ पे 7 कॉलम्स और 5 रोज लिया हुआ है। ऑटो फिट बिहेवियर में फर्स्ट ऑप्शन है, उसी को हमको एक सेकेंड ऑप्शन देखना है उसमें का ही। फिक्स कॉलम विथ को हम यहाँ पे कुछ उसका कॉलम का जो विथ है वो फिक्स कर लेंगे, यहाँ पे 2x1 का कर लिया मैंने और ओके। तो देखिए अपने पास जो है वो टेबल जो है रेडी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इंसर्ट में आके फिर से एक बार अपना टेबल इंसर्ट टेबल में आके रो और कॉलम्स हमको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑटो फिट कंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो फिट बिहेवियर में सेकेंड ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट, उसको हमने क्लिक किया हुआ है और ओके करेंगे। तो देखिए अपना टेबल जो है बहुत ही छोटा है। इसका यूज क्या है, अपना जो कंटेंट है टेबल टेबल कंटेंट, आप जितना टाइप करोगे उतने जो कॉलम का विथ है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से है, जैसे कि हमारा जो भी कंटेंट है वो जितना बड़ा होगा उतना वो उसका विथ जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑटो फिट कंटेंट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा टेबल को ही पूरा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें ऑटो फिट विंडो को क्लिक करना है। टेबल साइज तो आपको पता ही चला है कैसे लेना है, वो हमने टेबल साइज़ ऐड किया है। फिर सेकंड ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन जो था ऑटो फिट विंडो, उसको क्लिक करके ओके कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपना जो विंडो है अपना जो पेज है उस हिसाब से अपने को टेबल आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों भी ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा देखेंगे। इंसर्ट टेबल क्लियर है अभी, अभी नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल का यूज़ कैसे है वो देखते हैं अभी। जैसे हमने ड्रॉ टेबल लिया है, अपने कर्सर की जगह पे पेंसिल आ चुका है देखिए यहाँ पे, उसी को मैं अभी ड्रैग करके ले लूँगा तो अपना जो बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। अभी हमको यहाँ पे कॉलम्स कितने लेने हैं और रोज कितने लेने हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये मैं अभी कॉलम ले रहा हूँ टेबल में
और कॉलम लेने के बाद इसको मैं डिलीट करूँगा थोड़ा सा प्रेस करने में। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिए हैं और रोज़ कितने चाहिए, मान लो मुझे 3 रोज़ चाहिए। यहाँ पे हम ऐसा लास्ट तक क्लिक करके लेके जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा हमने क्लिक कर लिया। देखिए यहाँ पे एक ही दिक्कत होगी, इसमें क्या होगा, हमको जो रो का हाइट है और कॉलम का विड्थ है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। होता है कहीं कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट, तो आप ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे कर्सर के जगह पे पेंसिल है, उसको हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन, तो उसके लिए हम क्या किया, डिज़ाइन में जाके बॉर्डर में, तो अपना जो कर्सर के, तो अपना जो पेंसिल के जगह पे कर्सर था वो आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। ड्रॉ टेबल आपको पता चला है। अभी हमें देखना है एक्सेल स्प्रेडशीट, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, उसको हमने क्लिक कर लिया है। 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है, 2 सेकेंड का, अपना जो एक्सेल शीट है। जैसे कि हमें क्या करना है, एक्सेल शीट में कुछ काम करना है वर्ड में रह के ही, तो हम यहाँ पे इंसर्ट में, शीट में, इंसर्ट टेबल में जाके एक्सेल स्प्रेडशीट का जो ऑप्शन है वहीं पे हम ओपन कर लेंगे एक्सेल को। तो देखिए जैसे एक्सेल के ऑप्शंस होते हैं सेम उस तरीके से ऑप्शंस हैं। अगर आपका कुछ यहाँ पे काम है एक्सेल का ही, तो आप इसमें भी कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, मान लो मेरा डेटा रेडी हो चुका है, बन गया डेटा, तो मैं साइड में क्लिक करूँगा तो अपना जो एक्सेल का काम है टेबल, तो इसी में फिक्स हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो अपना एक्सेल शीट है वो फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे उसके ऑप्शन जो है वो फिर से आ जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे एंड वाला ऑप्शन है, उसमें क्या है, क्विक टेबल्स है। मान लो आपको कहीं पे रेडीमेड ऐसा टेबल लेना है, तो यहाँ पे रेडीमेड ऐसा टेबल का फॉर्मेट दिया है अलग अलग, आपका जो हिसाब से आपको अगर टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ अलग डिज़ाइन नहीं लेना है कुछ नहीं, तो आप यहाँ से आकर टेबल उसको ले सकते हो। फाइनली हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक आइटम दिया हुआ है कि उनका, इसका स्टेशनरी प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको इस टेबल को हम डिलीट करके अपना जो टेबल है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, अभी डिलीट कर दूँगा इसको। फिर अभी उसके बाद हमें क्या देखना है, अभी एक टेबल लेना है। हमने इसमें इंसर्ट टेबल में ये सब ऑप्शंस हमने ऑलरेडी देखे थे, एक बार फिर से उसका रिवीजन हुआ है। अभी हम एक्चुअल काम करने वाले हैं, आज का जो काम है वो, उसके लिए हम टेबल लेते हैं। एक यहाँ पर मैंने टेबल लिया हुआ है और अभी मुझे इसमें कुछ डेटा टाइप करना है, उसके लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, डेटा उसमें टाइप किया है। अभी आज हमें जो देखना है वो देखना है डिज़ाइन और लेआउट टैब। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टेबल में क्लिक किया, तो यहाँ पे अपने को ये 2 टैब दिखेंगे। अगर मान लो मैंने साइड में क्लिक किया तो वो 2 टैब है वो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आपको उसके लिए टेबल में सिलेक्शन रखना है। देखिए आ चुके हैं अभी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके लिए स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, एक डिज़ाइन लेना है। यहाँ पे टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम जाके डिज़ाइन से अलग अलग, देखिए बहुत सारे डिज़ाइन से अलग अलग अपने टेबल के लिए, उसमें से एक डिज़ाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा करना है, चलिए इस डिज़ाइन को हमने फाइनल कर लिया है। और अभी टेबल में सिलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में आना है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है हेडर रो, अपना जो हेडलाइन है वो ये वाला है टेबल का, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे चेक मार्क है, तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या होगा बताता हूँ मैं, इसका चेक मार्क हटा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हेडलाइन को कुछ कलर था, हेडलाइन को डार्क में कलर था वो हट गया है, जैसे हमने इसका चेक मार्क निकाला है। मान लो मैंने इसको फिर से चेक मार्क क्लिक किया है, तो देखिए इसका जो हेडलाइन है वो कलर में आ चुका है। तो अपने हेडर के रो को कुछ कलर देना है तो आप दे सकते हो, इसका टिक मार्क निकालना है या रखना है। तो उसके बाद टोटल रो का जो अपना ये है रो है उसको कुछ कलर देना है। तो हेडर रो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो, उसको चेक मार्क करके देखते क्या है। देखिए अपना जो टोटल रो है वो ये वाला है सबसे एंड वाला, उसमें डबल लाइन आ चुका है लाइन इसमें रो को। तो अगर इसका चेक मार्क निकालेंगे तो उसको देखिए नॉर्मल कलर आ चुका है, ठीक है। अगर इसको हमें कुछ डबल लाइन देना है, शो करना है, तो हम शो कर सकते हैं उसको। अभी नेक्स्ट है बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का चेक मार्क हटा के देखते क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो कलर है वो कुछ नहीं कलर दिखा रहा है आपको, पहले उसका चेक मार्क था। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से यहाँ पे आके बैंडेड रो को क्लिक करेंगे, एक रो जो है वो कलर में दिखा रहा है, एक रो ब्लैंक में है, ऐसे अलग अलग इसमें दिया हुआ है। अगर इसका चेक मार्क हटाएंगे तो उसमें जो कलर आया था एक रो कलर का था, एक रो ब्लैंक था, उस तरीके से था। अगर उसको चेक मार्क किया तो फिर से वो कलर आ चुका है।
अगर मान लो यहाँ पे बैंडेड कॉलम हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, एक कॉलम जो है वो नॉर्मल है, दूसरा कलर है, एक नॉर्मल कलर, एक नॉर्मल एक कलर, इस हिसाब से आया हुआ है। अगर मान लो इसका भी चेक मार्क हटाएंगे तो वो जो कलर आया था बैंडेड में हमने लिया था वो निकल गया है, ठीक है। मतलब ये डिज़ाइन के हिसाब से हो चुका है। अभी नेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम। अगर मान लो हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं तो इसका चेक मार्क दिया हुआ था पहले से ही, मैं इसको हटा रहा हूँ तो देखिए अपने पास क्या चेंज हुआ है। ये जो सीरियल नंबर का जो ABCD है ना वो नॉर्मल है। अगर मान लो मैंने इसको क्लिक किया तो बोल्ड में दिखाई देगा। ये जो फ्रेंड्स ये जो अपना ग्रुप है ना कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग के लिए दिया हुआ ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कॉलम है ये जो ग्रुप है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग का है, ठीक है। अगर मैं इसको टिक मार्क करूँगा तो अपना जो बोल्ड इफेक्ट था वो निकल गया है, उसको मैं टिक मार्क कर दूंगा। फिर लास्ट कॉलम का ऑप्शन है, यह वाला अपना लास्ट कॉलम है, उसको भी मैं टिक मार्क करूँगा तो देखिए यहाँ पे भी कलर आ चुका है, और यहाँ पे हमने बैंडेड कॉलम का जो ऑप्शन है वो भी देखा हुआ है। अभी और एक मैं इसमें बताने वाला हूँ। मान लो इसमें ये टेक जो चेक मार्क है वो हम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो सब डिपेंड इसके डिज़ाइन पे रहेगा, टेबल के डिज़ाइन पे। मैंने यहाँ पे आके अगर इसका डिज़ाइन चेंज किया तो देखिए कुछ अलग आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। मतलब क्या होता है, जैसे हम डिज़ाइन ले लेंगे तो उस हिसाब से ये जो ऑप्शंस है वो उस पर काम करने वाले हैं। ये ऑप्शन कभी काम करेंगे जब भी हम जो जो डिज़ाइन हम लेंगे वो टाइम पे। अभी मैंने ऐसा नॉर्मल लिया हुआ है तो उसमें जो फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम है उसको कुछ अलग डिज़ाइन दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें डिपेंड डिज़ाइन रहेगा ये कॉलम यूज़ करने के लिए। मैं अभी इसको सबको हटाऊंगा और नॉर्मल अपना प्लेन टेबल था वैसे कर लूँगा, तो आपको पता ही चला रहेगा टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल का ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, शेडिंग ऑप्शन है यहाँ पे। शेडिंग में क्या होगा देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर लिया है, इसको सिलेक्ट कर लिया और शेडिंग में आके उसी सेल को, एक्सेल में क्या होता है ये जो बॉक्स है उसको सेल बोलते हैं, ये जो सी का बॉक्स है उसी को सेल बोलते हैं। मान लो उसी को मुझे कलर देना है तो शेडिंग में आऊँगा और यहाँ पर मुझे कौन सा कलर देना है वो सिलेक्ट कर लूँगा, तो देखिए यहाँ पे उसको कलर आ चुका है। अगर उसको निकालना है तो उसी को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आना है और नो कलर इफेक्ट का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, तो उसका जो हमने शेडिंग दिया था वो हट गया है। अभी नेक्स्ट क्या है, मान लो मुझे इस रो को कुछ कलर देना है तो, और एक बात इसमें रो को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन मैं अलग से बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे एरो आपका दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं साइड में इसको क्लिक करूंगा तो अपना जो रो है वो सिलेक्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सेकेंड रो सिलेक्ट हुआ है। हमको अगर पूरा रो सिलेक्ट करना है तो इसका यूज़ आप कर सकते हो, और उसके बाद कॉलम के लिए ऐसा एरो आपको आना चाहिए अभी जो मिडल में दिखाई दे रहा है, और उसके लिए हम सिलेक्शन करना है कॉलम को, तो देखिए इस तरीके से अपना कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आऊँगा और वो रो आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए अभी आया हुआ है एरो है वो। यहाँ पे मुझे अगर कॉलम लेना है सिलेक्ट करके तो मैं ले सकता हूँ, देखिए इस तरीके से, ठीक है। हमने रो और कॉलम, पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट करना है और पूरा रो कैसे सिलेक्ट करना है वो देख लिया है। अभी एक बार हम शेडिंग के ऑप्शन पे जाने वाले हैं। शेडिंग पे मुझे क्या करना है, मान लो मुझे इस रो को ही पूरा कलर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे आके कलर सिलेक्ट कर लूँगा, तो अपना जो रो है वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो रहा है और वो कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। निकालना है तो उसी को सिलेक्ट करना है और देन यहाँ पे आके उसको नो कलर इफेक्ट है उसको क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बॉर्डर्स का है। अभी बॉर्डर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अपना बॉर्डर का जो वीथ है वो कैसा चाहिए सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो बॉर्डर का वीथ है वो आ चुका है और अपने को उसका साइज कितना चाहिए वीथ उसका, तो वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अभी हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने जो यहाँ पे बॉर्डर का लाइनिंग के लिए बॉर्डर स्टाइल हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, देखिए इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार हम फिर से इसको देखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स में आके इसको नो बॉर्डर करेंगे। उसके लिए हमें पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर्स में आके नो बॉर्डर ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर में आएंगे और बॉर्डर का जो वीथ है थोड़ा सा उसको चेंज कर लेंगे, कैसा चाहिए वो ले लिया,
और उसका जो वी थे वो भी हम अलग से ले लेंगे, साइज उसका है वो, और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो जो अभी हमारा क्या था, यहाँ पे सीरियल नंबर को ही सिलेक्ट था, तो उसका ऑल बॉर्डर इसको हो चुका है। मान लो मैंने टेबल को ही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर्स, तो देखिए अपना जो टेबल है वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो मुझे कुछ कलरिंग में टेबल बनाना है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल जेड करूँगा तो नॉर्मल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका है। स्टेबल स्टाइल ऑप्शंस देखा, फिर स्टेबल स्टाइल देखा है और बॉर्डर्स देखा है, तो अपना जो है वो डिज़ाइन टैब हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे लेआउट। लेआउट में क्या आता है, सबसे पहले टेबल का ही ग्रुप है और इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मान लो सिलेक्ट में क्या आ रहा है, सिलेक्ट सेल, मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा और यहाँ पे मुझे सेल को ही सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आके सिलेक्ट सेल, तो अपना जो एक सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसमें सिलेक्ट कॉलम, मान लो मुझे कहीं पे ये कॉलम सिलेक्ट करना है क्लास वाला, तो यहाँ पे आऊँगा और सिलेक्ट कॉलम को टिक करूँगा। हमको सिलेक्ट करना है क्लास वाले, तो यहाँ क्या यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कॉलम कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट रो, हमें कोई रो सिलेक्ट करना है, बी वाला जो रो है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे आके सिलेक्ट रो। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट टेबल, अगर पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑप्शन में आके ये ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है ग्रिड लाइन, मान लो मुझे ग्रिड लाइन देखना है, तो ग्रिड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे डिज़ाइन ले लेंगे, एक डिज़ाइन हमें लेना है ग्रिड लाइन देखने के लिए। अगर मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अपना जो टेबल है वो पूरा सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आएंगे और ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे, तो देखिए अपने पास ये देखिए कॉर्नर पे ये जो मिडल वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, उसमें कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को हमारे पहले वाले इसमें डिज़ाइन लेने के बाद कुछ लाइनिंग नहीं थी उसमें, बराबर। अभी यहाँ पे देखिए कुछ लाइनिंग दिखाई दे रही है, वही अपनी ग्रिड लाइन है। मान लो हमारे टेबल में कुछ लाइन नहीं दिख रही है, तो हम ग्रिड लाइन में आके उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्राफ का कैसा यूज कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से ग्रिड लाइन है। ठीक है, अगर उसको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके बाद, प्रॉपर्टीज़ का है। प्रॉपर्टीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे यहाँ पे ही छोटा सा, और एक टेबल बना के लेंगे, एक छोटा सा हमें टेबल चाहिए, और उसी को हम थोड़ा साइज कम कर देंगे। ठीक है, और अभी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आके हमको यहाँ पे वो जो टेबल दिखाई दे रहा है अपना छोटा वाला, वो कहाँ पे चाहिए अलाइनमेंट उसकी, यहाँ पे हम अलाइनमेंट देखने वाले, लेफ्ट सेंटर और राइट। मान लो मुझे उस टेबल को सेंटर में दिखाना है, तो उसको सेंटर को क्लिक करेंगे और ओके, तो देखिए अपना जो टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और राइट साइड में, मान लो मुझे इस साइड में चाहिए तो राइट साइड हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके, देखिए अपना जो टेबल है वो राइट साइड में आ चुका है। और बाद में अगर उसको फिर से लेफ्ट साइड में लेना है तो लेफ्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके, अपना टेबल जो है वो लेफ्ट साइड में आ चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट रैपिंग का है। यहाँ पे अराउंड मतलब क्या होता है, अपना जो पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है वो टेबल के राइट साइड में और बॉटम साइड में दिखाना है पैराग्राफ को, कुछ टेक्स्ट लाइनिंग को, तो हम क्या करेंगे उसके लिए अराउंड को हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अपना जो टेबल है वो लेफ्ट साइड में और उसके साइड में जो है वो टेक्स्ट आ चुका है। अगर उसको निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और नन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी को ओके कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आए थे टेक्स्ट वो निकल गए, पैराग्राफ आया था वो। अभी नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल, यहाँ पे टेबल के इसमें ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ड्रॉ टेबल कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, अभी फिर से उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इरेजर है, मान लो मुझे इस टेबल को इरेज करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इधर आके इरेज करना है तो कर सकते हो इस तरीके से, देखिए इसको इरेज करना है तो पूरा टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इरेज, अपना जो इरेजर का काम है वो इरेज करना है।
एक बार हम फिर से टेबल में आएंगे, लेआउट में आएंगे, और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट में भी बहुत सारे अलग अलग तीन चार ऑप्शंस है। यहाँ पे हम इस एरो को क्लिक करेंगे, डिलीट सेल। मान लो मुझे यहाँ पे क्लास का जो सेल है वही डिलीट करना है, तो अभी डिलीट में आके हम क्या करेंगे, डिलीट सेल करेंगे। और यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें जो क्लास वाला जो सेल है उसको डिलीट करना है। तो अपना हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और टोटल, ये सब भी क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, और क्लास का जो सेल है वो डिलीट होगा। देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो अपना जो क्लास का जो सेल था वो डिलीट हो चुका है। सभी ये जो है वो यहाँ पे मूव हो चुके हैं, एक तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसी में चार अलग अलग ऑप्शन से आप एक एक करके उसमें प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें डिलीट का है, डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम मतलब क्या होता है, मान लो मुझे सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसी को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क रखेंगे और डिलीट में आके डिलीट कॉलम। तो देखिए, अपना जो सीरियल नंबर का कॉलम था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें डिलीट रो का है। मान लो मुझे इसमें से कोई रो ही डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ए वाला जो रो है उसी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसमें मैंने क्लिक रखा हुआ है और डिलीट में आके उसको डिलीट रो कर दूंगा। तो देखिए, ए वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है, उसको भी मैं वापस ले रहा हूँ, कंट्रोल जेड। और अभी यहाँ पे डिलीट टेबल, अगर मुझे पूरा डिलीट टेबल करना है ये, तो हम टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट में आके डिलीट टेबल। तो अपना टेबल जो है वो निकल चुका है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने डिलीट ऑप्शन देखा था, अभी इंसर्ट कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करना है वो देख लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के सेल में हम सिलेक्शन रखेंगे और इंसर्ट अबव। मान लो मुझे इस हेडलाइन के ऊपर एक एक रो चाहिए, तो यहाँ पे हम आएंगे और इंसर्ट अबव को क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक रो ऐड हो चुकी है, उसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद है इंसर्ट बिलो, उसके लिए हम टेबल के सबसे एंड में आएंगे, वहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे और इंसर्ट बिलो को क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक अपने को रो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इसमें इंसर्ट रो कैसे करते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। अभी नेक्स्ट है, हमें कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपने टेबल पे सबसे स्टार्टिंग में आएंगे, सिलेक्शन रखेंगे और लेफ्ट साइड इंसर्ट लेफ्ट को क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपने को एक कॉलम ऐड हो चुका है। और उसके बाद है इंसर्ट राइट साइड। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्शन रखूँगा अपने टेबल के सबसे एंड में, तो इंसर्ट राइट साइड को मैं क्लिक कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो कॉलम ऐड हो चुका है। अभी इसके बाद मर्ज सेल है। मर्ज सेल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक रो ऐड कर लेना है। उसके लिए मैं इंसर्ट अबव को क्लिक करूँगा। अपने को एक रो मिल चुकी है, वो सिलेक्टेड भी है। अभी मैं मर्ज सेल को क्लिक करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो अपने सेल के कॉलम्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी अपना एक बॉक्स बन चुका है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो डेटा है वो मार्कशीट है, तो मैं मार्कशीट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमने मार्कशीट टाइटल दे दिया और उसी को हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेंगे। होम टैब में से हमको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, वो सब हम चेंजेस तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और उसको सेंटर में लाएंगे। तो देखिए कैसे अच्छे तरीके से शो हो रहा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमने क्या किया है, मर्ज सेल, जैसे कि अपना जो हेडलाइन है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें स्प्लिट सेल। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सिलेक्शन रखेंगे फर्स्ट सेल में, और यहाँ पे स्प्लिट सेल को क्लिक करेंगे। इसका यूज़ क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम दिए हैं वो हम सिलेक्शन कर लेंगे, और नंबर ऑफ़ रोज वो भी हम सिलेक्शन कर लेंगे, देन ओके। तो देखिए, अपने को क्या यूज़ हो रहा है इसका, अपने एक ही सेल में और भी कुछ डेटा है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ इसमें हमारा रिक्वायरमेंट है डेटा, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमने देखा स्प्लिट सेल में, उसको भी हम डिलीट कर देंगे। अभी नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का यूज़ क्या होगा, जैसे कि हमें इसको स्प्लिट करना है, तो तोड़ना है, तो इस टेबल को दो हिस्सों में उसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सी कॉलम में क्लिक रखेंगे या डी कॉलम में क्लिक रखेंगे और स्प्लिट टेबल को क्लिक करेंगे। तो देखिए, अपना जो टेबल है वो स्प्लिट हो चुका है, दो हिस्सों में कट गया ये डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। अभी नेक्स्ट है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमने तीनों भी ऑप्शंस देखे हुए हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो है, और फिक्स कॉलम विथ। कहाँ पे देखा है,
जब भी हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपको खुद को ही करना है, अभी ऑलरेडी हमने एक बार देखा हुआ है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमारा रो या कॉलम का हाइट और विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है। मान लो मुझे ये सेल का, मान लो मुझे इस रो का हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे अपना रो का, यहाँ पे अपने रो का जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल करके ले लेंगे इसको। अभी नेक्स्ट विड्थ, अगर मान लो मुझे इसका विड्थ बढ़ाना है तो क्या करेंगे उसके लिए, सेम वैसा ही है, नंबर हमको चेंज करना है। यहाँ पे अप एरो प्रेस करोगे तो अपना जो नंबर से वो बढ़ते जाएगा, डाउन एरो करोगे तो विड्थ कम होते जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमने विड्थ और हाइट कैसे बढ़ाते हैं वो देखा है। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट रो, तो यहाँ पे हम इसका जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे, ठीक है। दो जो रो है उसका हमने और एक को चेंज करते, तीन रो जो उसका हमने हाइट जो इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ाया हुआ हाइट है उसको हम सिलेक्शन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट रो, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा तीन रो जो रो था उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा था और बाकी के रो का हाइट कम था, तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, सबका सेम साइज करके दिया है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूट रो। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ाने वाले हैं। इसका जो पॉइंटर है वो हमको सही तरीके से मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा जो कॉलम का विड्थ है वो बढ़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन कॉलम का जो विड्थ है वो ज़्यादा करके लिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेआउट में आएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे कॉलम के विड्थ थी वो ज़्यादा थी और हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है, तो सबका सेम विड्थ हो चुका था, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन। अभी नेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन है, उसके लिए हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाने वाले हैं। इसमें यहाँ पे मान लो मैंने 30 नंबर का, यहाँ पे मैंने 30 नंबर ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और उसी को मुझे अप एंड डाउन मूवमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे टॉप साइड, मिडल साइड और बॉटम साइड दिया हुआ है, टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, देन मिडल लेफ्ट, मिडल राइट, मिडल मिडल में ही है और मिडल लेफ्ट और बॉटम साइड में है। इसके लिए अपना जो टेबल है थोड़ा उसका साइज बड़ा होना चाहिए, इसके लिए मैंने इस रो का जो हाइट है वो बढ़ा के लिया था। अभी नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लो मुझे इस जो 30 नंबर का डायरेक्शन कुछ चेंज करना है, तो देखिए अप एंड डाउन में वो मूवमेंट हो रहा है उसका। यहाँ पे हमें नेक्स्ट अभी देखना है शॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसको और हमें क्या शॉर्ट करना है, अपना जो टेबल है उसका सीरियल नंबर जो ABCD में दिया हुआ है उसी को हम जो असेंडिंग होता है डिसेंडिंग होता है वो ऑर्डर हम करके लेने वाले हैं। टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को क्योंकि हमारा ABCD है, और असेंडिंग मतलब A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं, डिसेंडिंग को सिलेक्शन कर लिया है, देन ओके कर लिया है। तो देखिए G सबसे पहले आ चुका है और A है वो सबसे लास्ट आ चुका है, तो ये हमने किया हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर फिर से उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो टेक्स्ट में ही जाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्शन और ओके। तो देखिए अपना जो ABCD है वो आ चुका है, ABCD उस सीक्वेंस में। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शॉर्ट में हम ये जो अपना टोटल है उसका हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे हाईएस्ट है उसको टॉप में लाना है और सबसे लोएस्ट है उसको नीचे की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय में टोटल सिलेक्शन, टाइप में हम करेंगे नंबर्स को सिलेक्शन और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्शन, देन ओके। तो देखिए जो अपना 209 है वो सबसे टॉप में है, ठीक है, और जो सबसे कम है वो नीचे की तरफ है, जो सबसे हाईएस्ट था वो टॉप पे है, सबसे लोएस्ट है वो नीचे की तरफ है। तो ये हमने ऑप्शन देखा है शॉर्ट में। बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। मान लो अपने पास कुछ बड़ा टेबल है, जैसे कि फुल एक पेज पे टेबल है और भी उसके साथ बहुत 10-12 पेजेस है और टेबल बड़ा है और सेम डेटा रहेगा उसमें, तो हमें क्या करना है, अपना जो हेडलाइन है वो सेम रखना है, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं रिपीट हेडर टू रो का। अभी फ़िलहाल हमारे पास टेबल छोटा है इसके लिए हम उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर बड़ा डेटा रहेगा तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेंगे अपना जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए अलग अलग, हम पहला देखेंगे टैब का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं।
टैब को हमने सिलेक्शन कर लिया है, देन ओके। तो देखिए अपने पास जो उसका टेबल था वो रिमूव हो चुका है, खाली यहाँ पे टैब के इसमें दिया हुआ है, जैसे कि अपने नंबर और जो भी डेटा है वो टैब के इसमें दिया हुआ। और नेक्स्ट इसमें क्या है, कॉमा। अगर इसको हम टिक करके ओके कर देंगे तो देखिए अपना जो टेबल है वो पूरा रिमूव हो चुका है, और जी के बाद कॉमा फिर 10 जो उसके नंबर से वो आ चुके हैं, हेडलाइन है उसके ऊपर दिखाई देंगे। इसमें इसका भी यूज़ हो सकता है कहीं कहीं पे, इसके लिए वो दिया हुआ है। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, सबसे पहला पैराग्राफ मार्क्स, उसके लिए हम क्या करेंगे और एक टेबल ले लेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ। मैं एक टेबल बना के लूँगा और उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें और भी आपको कुछ अलग ऑप्शन है वो दिखाना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें है ना पैराग्राफ टाइप करके लूँगा कुछ बड़ा सा ऐसा पैराग्राफ इसमें, फिर यहाँ पे ये मैं ऐसा ही लेटर्स टाइप कर रहा हूँ, इसको हम समझेंगे कि हमारा पैराग्राफ बन चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके लेंगे नीचे वाले जो हमने टेबल सिलेक्ट बनाया था, और यहाँ पे आके पैराग्राफ को सिलेक्शन करेंगे, पैराग्राफ मार्क्स को, और ओके। तो देखिए यहाँ पे अपना टेबल रिमूव हो चुका है और अपने जो लाइन्स है पैराग्राफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने जो कॉलम लिया था ये भी यूज कहीं कहीं पे हो सकता है, इसके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे लास्ट में लेआउट में फार्मूलाज। मान लो हमने ये जो हमने टोटल निकाला हुआ है उसको डिलीट करके हम टोटल कैसे निकालना है वो देखते हैं। एक्सेल में जो टोटल निकालते हैं सेम वैसा ही हम ये टेबल में भी निकाल सकते हैं। फार्मूला में आके यहाँ पे हमें सम मतलब टोटल के लिए दिया हुआ है, एक्सेल लैंग्वेज में इसको सम बोलते हैं। और लेफ्ट ब्रैकेट में क्या लेना है, लेफ्ट, क्योंकि हमारा जो डिजिट है वो सब लेफ्ट साइड में है, देन ओके करेंगे। तो देखिए अपना जो टोटल है वो आ चुका है। फिर उसके बाद हम सेकेंड वाले को भी देखेंगे, अबव नहीं, यहाँ पे हमको करना है लेफ्ट और ओके। तो देखिए टोटल आ चुका है। अभी हम दोनों इस दोनों का टोटल करना है तो क्या करेंगे, देखिए अबव लेना है क्योंकि हमारा दोनों डिजिट भी है ऊपर की तरफ है, और ओके आ चुका है फ्रेंड्स। दोनों का भी टोटल है 414। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या क्या देखा है, टेबल कैसे लेते हैं, उसके बाद उसमें डिज़ाइन और लेआउट टैब कैसे यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।